<laughs> कैसा मना मजा आ गया बारिश का मौसम छोला खा रहे हम लोग गर्मा गर्म तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बारिश हुई है और मेरे पति का मन कर रहा था चटपटा तीखा ऐसा कुछ खाने का लेकिन उन्हें तेल बिल्कुल नहीं खाना था तो मैंने सोचा ऐसा क्या बनाऊं जिन्हें बहुत अच्छा लगे चटपटा खट्टा मीठा तीखा सब कुछ हो तो मैं बोली चलिए आज मटर की चाट बनाते हैं जिसके लिए मैंने यहाँ ढाई ग्राम मटर को भीगने के लिए रख दिया था उसे कुकर में ऐड कर दिया है तीन चार आलू छील लिए थे और इसे पानी में रख दिया था और इसे भी डाल देंगे तो ये आलू मटर की हम आज चाट बनाएंगे बहुत ही गजब का बनता है एक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पे आधा चम्मच मस गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच आमचूर पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हींग नमक डाल देना है इसके अंदर तेल वगैरह नहीं डालना है आधा लीटर पानी डाल देना है इसके अंदर और चार सीटी लगा लेना है और इसमें कोई ताम झाम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है चार सीटी के बाद अच्छे से पक जाते हैं मटर गल जाते हैं तो यहाँ पर कलछुल की मदद से अच्छे से इसे मैश कर लेना है मेरे में पानी नहीं था तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मैश किया था तो पानी अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर लेना उसे गीला हो जाता है तो अच्छा लगता है और अच्छे से इसे कलछुल से या मैशर से मैश कर देंगे मतलब आलू मैश हो जाने चाहिए इस तरीके से हमारा छोला तैयार हो जाता है, है न तो यहाँ पे कुछ आपको तैयारी कर लेना है सबसे पहले और इसे मैं ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ कटोरे में ये देखिए कि कितना गजब का हमारा छोला इससे ही बन के तैयार हो गया है तो मैंने यहाँ पे पापड़ी रख ली थी जो पानीपुरी की पापड़ी रहती ना उसी को मैंने फ्राई कर लिया था प्याज काट लिए थे अनार रख लिए थे और जीरा पाउडर रख लिया था और यहाँ पे दही फेट कर रख ली थी इमली की चटनी बनाई थी और यहीं पे हरी चटनी रखी है चाट मसाला काला नमक बस इतनी चीज़ें आपको चाहिए तो यहाँ पे मैंने सर्विंग के लिए इस तरीके का दोने का इस्तेमाल किया है अगर चटनी की रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा मैं इसकी रेसिपी फुल वीडियो लाऊंगी क्या होता है ना अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती तो आप देखना पसंद नहीं करते तो इसलिए मैंने पहले से बना कर रख लिया था और छोले को दोने में इस तरीके से डाल दूँगी ताकि एक ही साथ सबको मैं सर्व सब कर सकूँ सब साथ में बैठ के खा सके अब इसमें डालूंगी मैं ये खट्टी सी इमली की चटनी सभी पे बहुत अच्छी लगेगी और इमली की चटनी डालने के बाद मैं इस पर ग्रीन चटनी डालूंगी और ग्रीन चटनी के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर दही ऐड करेंगे ये देखिए दही ऐड करने से बहुत ही अच्छा लगता है ये मतलब खट्टा तीखा मीठा चटपटा और जीरा पाउडर डालेंगे इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे तो मैं एक ही साथ सब डाल दे रही हूँ अनार डाला है मैंने पापड़ी डाला है मतलब मार्केट से भी बढ़िया ये बन के तैयार हो जाता है और आप जब खुद घर वालों को सर्व करोगे ना तो आपकी इतनी तारीफ होगी ये छोले चाट की कि क्या बताऊँ मैं तो ये सारी चीजें आपको बारी बारी से डाल देना है मात्रा का आपको ध्यान रखना है कि चीजें कम ज्यादा हो सकती तो आप डाल सकते मतलब जैसे नमक हो गया ये सब थोड़ा कम डालें बाद में अगर किसी को लगता है तो और डाल सकते हैं यहाँ पे मेरा दुकान सज गया है ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये मटर आलू चाट तो आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा घर वाले आपके फैन हो जाएंगे तो ये ठंडा होने से पहले मैं सर्व कर दूँ नहीं तो सब बोलेंगे वीडियो के चक्कर में ये देखिए सारा का सारा ठंडा कर दे तो खिलाना जरूरी है और सब ये बारिश का मजा ले रहे हैं और मटर चाट बनवाया है तो चलिए मैं पति देव को खिलाती हूँ और उनसे पूछती हूँ yeah. कि कैसा बना है तो yeah. खा के बताएंगे yeah. 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 देखने में तो काफी yeah. खूबसूरत लग रहा है ये okay. कैसा बना एक्सप्रेशन भी बढ़िया दे रहे हैं बारिश का मौसम छोला खा रहे हम लोग गर्मा गर्म। भी अच्छा लग रहा है पति देव को भी अच्छा लग रहा है मतलब ये मतलब खुशी अच्छी लगती है जब ये देखते हैं कि इनको खाने के बाद सुकून मिलता है तो मुझे डबल तिबल सुकून मिलता है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर